मिटता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो ई पेज के माध्यम हूँ आप किसानों से जुड़ी हर खबर किसाना तक और किसाना की खबर है वो सरकार तक पहुँचने का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी है। तो आज आप साथ जुड़िया हाँ मेड़ता सिटी में मैंने किसाना की मांग ने ले कृषक समाज की बैनर तले एक अनिश्चितकालीन किसानों को जो धरनो हो मेड़ता में दियो किसाना की 8 सूत्री जगह मांगा ही बिने ले किसान समुदाय का लोग धरना पर बैठा और बेणी जगह 8 मांगाएं समूह जगह प्रमुखता की मांग ही MSP पर मूंग की खरीद जो पंजन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करना। तो यूं कह सका कि पहली बार है किसाना की पहली मांग री सफलता मिली है। तो ये धरना की पूरी जानकारी साथ अपने साथ जुड़िया है सुशील जी नेता जब किसान युवा नेता है। तो सुशील जी सबसे पहले आप मेड़ता परिवार में आपका स्वागत है। राम राम साहब। तो ये किसानों का जो धरनो हो अनिश्चितकालीन धरनो का ही उद्देश्य धरना में ले और कितनी जगह सफलता है अब तक आपने मिली है माना जरूर बताओ। पूरे राजस्थान में कृषक समाज राजस्थान की ओर से किसानों की आवाज बनके मेड़ता सिटी के किसानों ने MSP पे घोषित जो फसलें हैं उनकी खरीदी को लेकर 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की थी। वो बड़ी संख्या में किसान आए और बड़ा शांतिपूर्वक और जोरदार वो अनिश्चितकालीन धरना रहा। तो इस धरने में आपने जैसा एक्सपीरियंस रहा बाकी किसान भी आए तो धरनों आपरे मायने कि सफल मानो आप धरनों? बिल्कुल सफल है सर। और किसान कितनी संख्या में टपू पाया है? बढ़िया संख्या में पधार रहे थे किसान और थोड़ा खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा था फिर भी अच्छी संख्या एक नए मेड़ता क्षेत्र में नया धरना की शुरुआत हो रही थी। रैलियां वगैरह बहुत होती है लेकिन धरने की नई शुरुआत को देखते हुए अच्छा माहौल रहा। तो आप वीडियो में देख रहे हो आप मैं हिंदी और मारवाड़ी दोनों बोला क्योंकि अपना चैनल का मकसद है कि खबर है जो आपरे अंदाज में होनी चाहिए किसान जगह समझ सके तो मारवाड़ी भाषा भी आपने ले जो मिलेगा। तो सुशील जी आप बताओ कि अबार मेड़ता मंडी में जो गंवार है बंपर आवक हो रही है मंडी में लेकिन जगह मेरा भाव है वह प्रॉपर किसान नहीं मिल रही है ऊपरा ऊपरी भाव है 4,500 क्विंटल तक मिल रहा है। तो मैं आप आगे आपकी काय मांग रहे वेला साहब? देखो किसानों की सबसे जो बड़ी पीड़ा है वो है भाव। किसान पूरे 4 महीने फसल की मेहनत करने के बाद जब भाव आता है तो काम वास्तव में होता है जब ये अभी लाटा वगैरह निकाल रहे हैं लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भूल जाता है। उसको ये समझ होनी चाहिए कि जब जो 4 महीने आपने मेहनत की जो परिश्रम पसीना बाया उसका फल हो है वो भाव है लेकिन वो भाव के टाइम काम की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाता और उसकी सजा वो 12 महीने भुगतता है उसी का ये फलस्वरूप है। जो गंवार गए साल 6,000 से 6,500 तक बिक रहा था उसी के जोश और जुनून से किसानों ने अब की बार 3 गुना 4 गुना गंवार की बुआई की लेकिन फिर उनको मिल गया रहा भी 4,500-4,500 लास्ट यानी 2,000 से 2,500 तक का नुकसान लेकिन किसान ये दिमाग में ही नहीं रह रहा है। लेकिन हम इसके लिए अब बड़े दीपावली के आसपास बड़ा आंदोलन करेंगे गंवार को लेकर। तो हमें अब आप बताओ कि जो धरनो है आप समाप्त कर दियो या स्थगित करियो? नहीं जो 8 सूत्रीय मांगे लेके हमने धरना शुरू किया था उसमें पहली यही मांग थी कि आप MSP पे घोषित फसलों को चालू करो। सरकार ने एक शुरुआत की है 27 तारीख से पंजीयन शुरू होगा और 1 नवंबर से उनकी खरीदी चालू होगी लेकिन हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। अभी सरकार का 27 तारीख को पंजीयन है वो हमारी डिमांड है कि 100% किसानों का पंजीयन हो। अब वो कितने प्रतिशत किसानों से पंजीयन करते हैं दाने दाने की खरीद हो अब सरकार उस पर क्या उनका परिणाम रहता है। दूसरा बाजरे के बारे में उन्होंने कोई घोषणा की नहीं तो राज्य सरकार से यह मांग है हमारी कि आप बाजरे की खरीदी करें अगर नहीं कर सकते तो आप भावांतर जो योजना डिफरेंस का वो भावांतर योजना को लागू करें। उसके बाद जो बिजली की समस्या है बीमा कंपनी की जो हमारे मुद्दे हैं इनको लेके हम 27 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर इन पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो 27 तारीख बाद हम बैठ के बड़ी रैली का और बड़ा प्रोग्राम आंदोलन छेड़ेंगे पूरे मेड़ता के साथ साथ पूरे राजस्थान। इस धरना में मैंने अपना किसान का जो कि किसान पंचायत है राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल चौधरी जी भी आया तो बेल अटाया किसान ने जो बात बताई तो किसान कितना इंप्रेस यार इनू आप जो कि धरनो है आगामी जकी किसान ले आंदोलन भी ने की प्रकार दिशा मिले लाए उनके आने से मेड़ता के किसानों को बड़ा फायदा होगा निश्चित रूप से। उसका कारण है कि यहाँ धरना का पहले प्रारूप बहुत कम था अभी नई वापस शुरुआत की है और जब इतना बड़े किसान नेता आते हैं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छी बातें बता के गए हैं। उन बातों पे किसान को भी हम घर घर जाके बताएंगे
अभी पूरे जो राष्ट्रीय मुद्दा है किसानों का, किसान संगठनों का, वो है एमएसपी गारंटी कानून। जब तक किसानों को एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा, तब तक आपकी खेती कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकती। हमारा यही लक्ष्य है, आगे से हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गांव गांव एमएसपी, घर घर एमएसपी। हमारा मुख्य मुद्दा अब यही है, गांव गांव एमएसपी, घर घर एमएसपी। पूरे देश में ये जन जागृति अभियान चलाएंगे और किसानों को ये समझाएंगे कि जब तक आपकी खेती को आप प्रॉफिट में, फायदे में नहीं ला सकते, तब तक आपकी नस्ल और फसल को कोई नहीं बचा सकता। आप आओ धरनों देखे और बाकी धरना भी देखा, किसान की सगला नहीं समस्या है, लेकिन आप अगर एक अपन कटु सत्य अपने मानना पड़ी कि किसान है आगे नहीं आ रहा है, मेरी वजह का ही है। नहीं, उसका बहुत कारण हो सकता है कि एक तो यहाँ माहौल नहीं था, जो ये किसान आंदोलन, राष्ट्रीय किसान आंदोलन चला, उससे बहुत किसान अब जागृति आई है निश्चित रूप से। और अब पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में जो 550 किसान संगठन है अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आपको ये खेती बचाने का संघर्ष है, अगर आपने खेती बचा ली तो आपके जो नस्ल और फसल वो बच जाएगी। तो निश्चित रूप से ये हम 27 तारीख तक इंतजार करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप फिर बहुत बड़ा आंदोलन और किसान जागृति अभियान चलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुशील जी रियार, जो किसान युवा किसान नेता है। तो अकेरिया के किसानारी जो कि मांगा है बिने ले, ये आज तक हार मानी नहीं है, और जब तक किसानारी मांगा पूरी नहीं वेला, जब तक ये बिल्कुल चैन नहीं बैठेला और बड़ो आंदोलन जो को है वो करण वास्ते विवश हो जावेला, तो ई मंत्र माध्यम सारा किसानों ने आपा निवेदन करा कि आपरी हकरी लड़ाई वास्ते आप जरूर समय निकालो। जब भी किसान हित में एक प्रकार धरना आंदोलन हुए तो आप समय निकाल जरूर आओ, थोड़ा टाइम आप अगर संघर्ष कर लियो तो आवनाली जगरी आपकी पीढ़ी है वह सॉरी हो जावेला। और जो कि आप माना कि खेती है वो घाटारो सौदो है, तो अगर एमएसपी जो गारंटी बिल आ जाएगा तो खेती है वो घाटारो सौदो नहीं वाला, और किसान की जो आय है दुगुनी चौगुनी हो जाएगा, और देश है वो कृषि प्रधान वो विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि किसान वह तक ज्यादा से ज्यादा प्रेरित जो की बातें हैं वह पहुँच सके। जय जवान, जय किसान।